हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू सखी मेकअप स्टूडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक आई मेकअप जो बहुत ही प्यारा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि हमने ये मेकअप किस तरीके से किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। इनके ऊपर हम कर रहे हैं आई मेकअप और ये बिफोर है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत ट्रेंड में है ये वाला आई मेकअप आजकल, तो हमने भी अपने स्टूडेंट को सिखाया और आप भी देखिएगा कि हमने किस तरीके से किया है। तो ये बिफोर का है इनका और ये हम कर रहे हैं इनकी आईब्रोज। आईब्रोज तो इनकी हो रखी हैं लेकिन उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। आईब्रोज इनकी बहुत प्यारी हैं, डार्क हैं, लेंथ में भी ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आईब्रोज में। बस थोड़ा आई मेकअप को इन्हेंस करने के लिए हम आईब्रोज को भी थोड़ा सा इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आईब्रो ना हो तो आई मेकअप का मजा नहीं आता है। और थोड़ा सा हम डार्क शेड के साथ कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो आईब्रो है वो थोड़ी डार्क में है, तो लाइट करेंगे तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, और थोड़ी घनी है तो ये हम मस्कारे से सेट कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कटिंग नहीं करवाएंगी अपने आईब्रो के हेयर को। और इसी तरीके से हम दूसरी आईब्रोज भी सेट कर रहे हैं। ये हमने दोनों आईब्रोज बना दी हैं और ये अब हम आईज़ को कंसील कर रहे हैं। और आप देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा आपको ये आई मेकअप। आईवरी शेड लिया है हमने आई कंसीलर में। दोनों आईब्रोज को हमने कंसील किया है। आज हमने लाइटर टोन से कंसील किया है, आईवरी शेड लिया है। और ये पाउडर से सेट कर रहे हैं हम, लूज पाउडर से। इससे जो कंसील जो हम करते हैं आईज को कंसील करते हैं, कंसीलर लगाते हैं, वो लॉक हो जाता है लूज पाउडर से और क्रैक्स नहीं बनते हैं आईज में। और ये आईब्रोज के नीचे हम वाइट शेड से, वाइट पिगमेंट से हाइलाइटर दे रहे हैं। और ये क्रीम हाइलाइटर है। इसमें आप ये देखिएगा कि हमने आई मेकअप किस तरीके से किया है। मेरे बताने से आप जो देखोगे ना वो ज़्यादा समझ पाओगे कि ये हमने किस तरीके से किया है। ये हमने जेल लाइनर लिया है और ये हम कॉर्नर पे ही लगाएंगे, वी बनाएंगे जेल लाइनर से। आप मेबलिन का भी ले सकते हो, इंग्लॉट का भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो, पर वो जेल लाइनर होना चाहिए जो स्मूथ हो, ड्राई ज़्यादा ना हुआ हो, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और ये एक धीरे 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 जो वी है इसको हम सी में कन्वर्ट करते जाएंगे। पीछे से इसमें वी रहेगा और धीरे 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 जिस तरीके से हम आईज के आगे बढ़ते जाएंगे ये सी फॉर्म में बनता जाएगा। एक तरीके से आप डीप वी भी कह सकती हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे सी में लाएंगे। और ये ब्राउन शेड हमने लिया है ब्लैक के ऊपर। और ये हमें ज़्यादा ब्लैक लग रहा है तो हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है,
कोई क्या नाम है आपके पास क्लीन करने के लिए कोई डर्मा रेंज का नहीं है, तो आप इसको लिप बाम होती है उसके साथ भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये कंसीलर से हम सी बनाएंगे। कभी कभी क्लाइंट ज़्यादा स्मोक नहीं लेना चाहता है आई में, आई मेकअप स्मोक ही नहीं लेना चाहता, तो आप इस तरीके से भी आई मेकअप कर सकते हैं। और ये हमने वाइट और थोड़े से हमने रोज़ गोल्ड जो हमारे पास पिगमेंट थे आई शेडो के वो हमने लगाए हैं इसमें। और देखिएगा आई मेकअप किस तरीके से खिल के आ गया है। और ये हमने मस्कारा लगाया है, मस्कारा मैं इनको फेसेस कनाडा का लगा रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने लैशेस नहीं लगाई हैं तो ये बिना लैशेस के हैं आई मेकअप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इतना क्लाइंट ले लेता है, मना नहीं करता है। और ये दूसरी आईज पे भी हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट किया है हमने दोनों आईज का मेकअप। और जो हम इनको आईलाइनर लगाएंगे ना, आप वो देखिएगा कि हमने किस तरीके से लगाया है। आगे से हमने पतला लगाया है और पीछे हम इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे और लाइनर को हम लोग ना स्मर्ज कर देंगे। और आप हमें फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो करें, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए मेकअप से हेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ आपके लिए, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। कितनी खूबसूरती के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं देखिएगा। और ये हम जो हमने आईलाइनर लगाया है इसको यहीं कहीं हम स्मर्ज करेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ भी स्टिल कर सकते हैं जहाँ आपका सी खत्म हो रहा है ब्लैक, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर वी में भी लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे आईज पे भी लगाएंगे आईलाइनर। और ये जेल आईलाइनर है। मुझे तो ये आई मेकअप बहुत पसंद आ रहा है, आपको भी अगर पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये आईलाइनर भी हम स्मर्ज कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस वाला काम है पर आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वाले आई मेकअप में। और ये थोड़ा सा वी में भी इसको लेके जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी पीछे से डेप्थ देनी है आईज को। और इसमें हम कोई ग्लिटर नहीं देंगे, कोई और कलर ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बहुत प्रीटी लग रहा है। तो ये है इनका फाइनल लुक।
आई होप आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ऐसी मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करती रहूँगी बहुत ही खूबसूरत सी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी चैनल पे ऐसी नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये मेकअप, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में बादलों में से चांद दिखाई देता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।